hello and welcome to all of you in my channel blue chip finance in this video we will discuss about the question of final account related to bcom 1 paper 2013 uh, which is uh, beneficial uh, for both uh, bcom and icom uh, and it may be helpful for other disciplines related to accounting and finance uh, so let's move to the question uh, the following are the balances extracted from the books of E uh, Rashid as at thirty first December two thousand eight. Uh, there are accounts titles uh, given in the form of trial balance, and after that, some adjustments are given, and. वी विल मेक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर दिस क्वेश्चन सो सबसे पहले uh, यहीं से uh, हम इन बैलेंसेस की प्रॉपर प्लेसमेंट के बारे में uh, समझना शुरू करते हैं और शुरू शुरू की वीडियोस में uh, मैंने uh, अपनी तरफ से एक सजेशन दी थी आपको मे uh, भी आप में से किसी ने वो ना देखी हो या ना सुनी हो एक दफा मैं फिर रिपीट करता हूँ कि uh, जब भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं uh, पेपर के अंदर तो तीनों uh, चीजें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और, और बैलेंस शीट इन तीनों के फॉर्मेट हमेशा uh, आप शुरू में बनाए Uh, क्योंकि जिस वक्त आप पहले ट्रेडिंग बनाएंगे फिर उसका बैलेंस लेके फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे फिर उसका बैलेंस लेंगे आ, फिर आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कन्फ्यूजन ये कि आपको ये बैलेंसेस बार बार देखने पड़ते हैं और उसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार, बार बैलेंसेस देखने से एक तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं और दूसरे नंबर पे ये है कि टाइम मैटर्स टाइम इतना नहीं होता कि आप बार बार कंसल्ट कर सकें बैलेंसेस के साथ और फिर अगर कोई एंड के ऊपर क्वेश्चन के अंदर कोई मिस्टेक आ जाती है तो वो फिर उसको रिमूव करना रिकवर करना क्वेश्चन को बड़ा मुश्किल हो जाता है तो अपने आप को आदत डालें कि तीनों फॉर्मेट्स पहले से बना लें ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का और उसके बाद आप यहाँ से बैलेंसेस को अपनी अपनी जगह पे ट्रीट करना शुरू कर दें और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है बस एक आपने हैबिट डेवलप करनी है और इससे ज़बरदस्त प्रैक्टिस फाइनल अकाउंट्स के अंदर कम से कम मैंने इससे अच्छी प्रैक्टिस के अलावा मेरी तरफ़ से कोई सजेशन नहीं है मैं इसी को बेहतर समझता हूं जैसे स्टार्ट हम लेते हैं कैपिटल से तो कैपिटल किधर जाएगा ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड के ऊपर प्लेस किया जाएगा तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड के ऊपर ये प्लेस किया जाएगा कैपिटल और उसके बाद ड्राइंग्स हैं तो ड्राइंग्स हमेशा इस कैपिटल में से माइनस होती हैं बैलेंस शीट के अंदर इसके अलावा कहीं ट्रीट नहीं की जाएंगी उसके बाद तीसरे नंबर पे परचेजेस परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर प्लेस की जाती हैं और अगर कोई रिटर्न्स हैं इसमें तो वो इसमें से जैसे ये नीचे ही गिवन है रिटर्न्स इसकी तो एट नाइन फोर सेवन जीरो में से ये आपने माइनस करके बाकी आ, जो अमाउंट है वो आपने ट्रेडिंग में यहां पे लिखते नहीं फिर इसी तरह आगे चलते हैं सेल्स और सेल्स रिटर्न से जिस तरह परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस किया जाएंगी तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड के ऊपर ये दोनों चीजें आ जाती हैं उसके बाद आगे चलें ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक एक ही जगह पे प्लेस किया जाता है और वो ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर आप इसको प्लेस करते हैं वन वन फोर सिक्स जीरो ट्रेडिंग तो में डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगा उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस पहले चूंकि सैलरीज लिखा हुआ है अगर पहले वेजेस लिखा होता तो फिर हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कंसिडर करते लेकिन सैलरीज पहले लिखा हुआ है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर ये प्लेस की जाएंगी ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे ये सैलरीज एंड वेजेस आपकी डेबिट साइड के ऊपर आ जाएंगे उसके बाद आप देखें बिल्डिंग एसेट है आपका फ्रेट एंड क्लियरिंग चार्जेस ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर आएगा आपका ट्रेडिंग में इसको डेबिट साइड के ऊपर आप ट्रीट करेंगे वन सिक्स नाइन फोर जीरो उसके बाद कैरेज इनवर्ड वर्ड यह भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर आएगा टू थ्री वन जीरो टू थ्री वन जीरो ऑफिस एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये आपके ये ऑफिस एक्सपेंस के समेत ये तीनों आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं दीज थ्री विल बी प्लेसड ऑन द डेबिट साइड ऑफ दोफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर दैट बैड डेट्स बेड डेट्स को हमेशा आप सेपरेटली ट्रीट करें और इसका एक सीधा सा फार्मूला जो तकरीबन हर वीडियो के अंदर मैं रिपीट करता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बैड uh, डेट्स का जो फार्मूला है वह है बैड डेट्स एड राइट ऑफ एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड अब इसमें से बैड डेट्स और बैड डेट रिजर्व ये ओल्ड प्रोविजन ये दोनों गिवन होते हैं ट्रायल बैलेंस में और न्यू प्रोविजन और राइट ऑफ ये गिवन होती है आपको एडजस्टमेंट में अगर इधर देखें तो एडजस्टमेंट में तो यहां पे गिवन है रिजर्व फॉर डेट्स टू बी मेड अप टू रूपीज फोर थाउजेंड नॉर्मली ये आमतौर पे बैड डेट्स की डेटर्स uh, की को परसेंटेज होती है लेकिन इसमें डायरेक्टली अमाउंट गिवन है तो फार्मूला अब आपका क्या बन जाएगा इधर राइट ऑफ कोई गिवन नहीं है तो फार्मूला आपका बन जाएगा बैड डेट्स एड राइट ऑफ जो कि जीरो है फोर्टीन हंड्रेड प्लस जीरो माइनस न्यू प्रोविजन न्यू प्रोविजन सॉरी एड न्यू प्रोविजन न्यू प्रोविजन फोर थाउजेंड माइनस ओल्ड प्रोविजन दैट इज थ्री टू फोर जीरो और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेट्स फोर्टीन हंड्रेड एड राइट ऑफ विच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन जीरो टैक्सेज एंड इंश्योरेंस इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर प्लेस किया जाएगा डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट इफ The balance of discount is credit. Then it is your uh, indirect revenue. So it will be placed on the credit side of the profit and loss account. Bill receivable, sundry debtors. These both are assets for you. But one thing uh, which you should remember that we subtract uh, write off and new provision. Uh, and if discount is given then we subtract these three things out of these sundry debtors but in this question there is no write-off there is no discount uh, on debtors only new provian is given so we just only subtract new provian uh, which is 4000 rupees out of this sundry debtors account and it will be placed on the asset side of the balance sheet after that sundry creditors are liability for you so these are placed on the liability side of the balance sheet uh, cash at bank cash in hand office furniture these three are assets for you and these three will be placed on the asset side of the balance sheet uh, travelers salaries and commission it is indirect expense for you it will be placed on the debit side of the profit and loss account addition to building 7000 it will be added to बिल्डिंग वैल्यू दैट इज गिवन हेयर आफ्टर दैट रेंट रिस इट इज इन डायरेक्ट रेवन्यू फॉर यू सो इट विलेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड वो साइड है एक सा, एक आपको टिप uh, दे दू कि जो आपके पैसे एक्सपेंडिचर के तौर पर लग रहे हैं वो सारे चाहे ट्रेडिंग है चाहे प्रॉफिट एंड लॉस है डेबिट साइड पे आएंगे और जो रेवेन्यू है अगर डायरेक्ट रेवेन्यू है तो क्रेडिट साइड पे आएगा ट्रेडिंग में और अगर इनडायरेक्ट रेवेन्यू है तो क्रेडिट साइड पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में अब इनकी प्लेसमेंट के बाद हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट्स में क्या गिवन है तो डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 2.5 परसेंट एंड ऑफिस फर्नीचर बाय 5 परसेंट दीज ओनली द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आएगा और जब हम वैल्यूज लिखेंगे इनकी चूंकि ये एसेट भी हैं आपके जो कि इधर गिवन है बिल्डिंग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ऑफिस फर्नीचर थर्टी फाइव हंड्रेड एंड वेन यू प्लेस दिज एसेट्स इन द बैलेंस शीट एसेट साइड यू मस्ट सब्ट्रैक्ट दिस डेप्रिसिएशन आउट ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ द बिल्डिंग एंड ऑफिस फर्नीचर

इसमें ऐड हो जाएगी सैलरीज एंड वेजेस 6280 एंड ऐड आउटस्टैंडिंग 570 एंड दिस 570 विल आल्सो बी प्लेस्ड ऑन द लेबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट क्योंकि ये आपने अभी तक पे नहीं की तो ये लेबिलिटी है आपके ऊपर कि इसको पे किया जाए फिर उसके बाद रेंट रिसीवेबल ₹200 इट मींस इट इज योर अक्रूड रेवेन्यू ये आपको मिलना है अभी मिला नहीं है तो ये रेंट uh, में ऐड हो जाएगा टू हंड्रेड और सिमिलरली जैसे हमने ये अमाउंट पे करनी थी तो लाइबिलिटी में लिखा तो ये हमने अमाउंट लेनी है वी विल रिसीव दिस अमाउंट इन नियर फ्यूचर सो दैट इज आवर एसेट सो इट विल बी प्लेस्ड इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑल्सो आफ्टर दैट फाइव परसेंट इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन कैपिटल अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमने पिछले साल का डिस्कस किया उसके अंदर भी था तो वहाँ पे बड़ी डिटेल से बात हो चुकी है इस पे कि एक तो ये आपका इनडायरेक्ट uh, एक्सपेंस है और दूसरे नंबर पे ये कैपिटल में ऐड हो जाता है तो फाइव परसेंट इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन कैपिटल वंस वी विल ट्रीट दिस एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड and after that we just add up this 5% interest to the capital account so uh, your capital uh, is given uh, here 90000 so 5% uh, of 90% uh, 90000 is 4500 so it will be treated as indirect expense first in the profit and loss account and after that it will be added to the capital uh 4500 capital less trying add interest on capital and uh, net profit will also be added to capital account so after that uh the value of stock on 31st december 2008 was rupees uh, 14290 uh ye adjustment may given hai. this is given in the adjustment so we will uh, treat this closing stock uh, in two places

Unexpired insurance amounted to rupees 240. Unexpired insurance is your prepaid insurance. Uh, so, this unexpired insurance is your asset and it will be subtracted from insurance. Uh, taxes and insurance are 1300, but out of this 1300, टू फोर्टी रुपीज इज नॉट एक्सपायर्ड येट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सब्ट्रेक्ट दिस टू फोर्टी आउट ऑफ थर्टीन हंड्रेड सो जिस वक्त हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में इस एक्सपेंस को प्लेस करेंगे तो यहां पे ये बात जहन में रखें कि ये टैक्सेस एंड इंश्योरेंस थर्टीन हंड्रेड नहीं है Uh, हम यहां पे वही एक्सपेंडिचर्स रियलाइज करते लिखते हैं जो कि रियलाइज हो चुके होते हैं तो इसमें से वन जीरो सिक्स जीरो रियलाइज हो चुका है ये एक्चुअल में टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पे हो चुका है जबकि टू फोर्टी जो है ये जिस वक्त तक इसका टाइम पीरियड पूरा नहीं होता ये उस वक्त तक आपके लिए एसेट है तो ये टू फोर्टी आपके एसेट के तौर पे भी ये लिखा जाएगा बैलेंस शीट में टू फोर्टी और उसके बाद आ, जो आपकी आ, बस ये लास्ट इसकी थी एडजस्टमेंट तो यहाँ पे इन दोनों को बैलेंस करने के बाद जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड पे है तो इट मींस के आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है इसमें ये ट्रांसफ़र हो जाएगा आ, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर और ये आपका सारा इनडायरेक्ट रेवेन्यू है जो कि फोर सेवन एट सिक्स ज़ीरो है And this side is larger than this. Uh, so we subtract all these indirect expenditures. Uh, out of this 47860. And your remaining balance is 19800. That is your net profit. And finally this net profit will be added to your capital account. And your uh, new fresh uh, capital is 106700. And now your both sides are balanced. 124. टू फाइव जीरो सो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और आ, इनको आ, इनके बैलेंसेस जानने की कोशिश करें और इनके बैलेंसेस को प्रॉपर प्लेसेस के ऊपर प्लेस करना और एक क्वेश्चन के डाटा को लेके तीनों फॉर्मेट्स के ऊपर सिंगल अटेम्प्ट के अंदर इनको सॉल्व करने की कोशिश करें थैंक यू